हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जॉर्डन और आप देख रहे हैं एमएनएम टीवी। तो यार, आज की वीडियो में हम कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें थोर लव एंड थंडर, स्टैनली एंड डेयरडेविल के सीजन 4 के बारे में बात करेंगे। तो कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो में बने रहना। ज़्यादा समय लगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की रन टाइम से फैंस को काफ़ी निराशा हुई है, तो वैसे ही निराशा फैंस को दोबारा से मिलने वाली है, क्योंकि थोर लव एंड थंडर के रन टाइम को 2 घंटे 15 मिनट से काट के 1 घंटा 50 मिनट का कर दिया गया है, जिससे काफ़ी फैंस को निराशा हो चुकी है। क्योंकि गॉड द गॉड बच्चा जैसे बड़े विलन को ये लोग कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे मुझे नहीं पता। क्योंकि जिन फैंस को भी गॉड द गॉड बच्चे के बारे में पता है, वह जानते हैं कि वो कितना बड़ा सनकी वो खतरनाक विलन है। तो उसको 1.5 घंटे में दिखाना उसकी बेइज्जती हुई एक तरीके से, क्योंकि उसमें उसकी ओरिजिन ही बतानी होगी। तो मुझे नहीं पता वो कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे उसे। तो होप ही कर सकते हैं कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। अगली न्यूज़ ये आ रही है कि स्टैनली के कैमियोज़ को वापस से लाया जा रहा है, जो हमें फ्यूचर मूवीज़ और टीवी सीरीज़ में हमें दिखने वाले हैं, जिन्हें VFX और CGI की तरफ से बनाया जाएगा। और अगली अपडेट है डेयरडेविल की तरफ से। जी हाँ, डेयरडेविल के सीज़न 4 के अनाउंसमेंट हो चुकी है, बट पूरी खबर इसमें भी है, क्योंकि डेयरडेविल के नेटफ्लिक्स वाले ओरिजिनल राइटर्स जो थे उनको हटा दिया गया है, उनकी जगह नए राइटर्स को लाया गया है, जिसमें मैट कॉर्मन एंड क्रिस ओड आते हैं। वैसे इनकी कुछ बड़ी फिल्में हैं नहीं, पता नहीं इन्हें क्यों लिया गया। इनकी दो जिंदगी की सिर्फ 2 ही फिल्म है, एक अच्छी है स्टोरी में, एक टट्टी है। और मुझे नहीं पता ये उन्हें क्यों लाए हैं। अब ये डिज्नी वाले ने रखा है, कुछ सोच समझ के रखा होगा। जब सीरीज आएगी यही पता लगेगा। अगर मुझे नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल देखने को नहीं मिला तो मैं दंगे कर दूंगा, बता रहा हूँ। तो यार, आज की अपडेट में बस यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और फ्यूचर में ऐसे ही अपडेट देना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।